फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे थे और अभी मुझे वीडियो भी डालने में थोड़ा लेट हो जा रही है। कम से कम बीच में 5-6 दिन की गैपिंग हो ही जा रही है, ये आप सबको पता है। तो इसके पीछे रीज़न है कि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, जिसकी वजह से वीडियो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी मेरा घर जो है वो थोड़ा सा बन रहा है, मतलब मेरे घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे घर की स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, तो उसको हमने मतलब रिपेयरिंग करवाया है। और ये देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा काम घर का निपटते चला जा रहा है, वैसे वैसे मैं साफ़ सफाई के काम भी निपटाती चली जा रही हूँ। तो और अर्थ ये देखिए, यहाँ पे गर्मी का टाइम आ गया है तो ये ऐसे ही करता है गर्मी में। तो ये देखिए, सारे डब्बों को मैंने धो लिया है और कल पूजा भी है, तो देखती हूँ मैं पूजा कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम बचे हुए हैं, सारे सामान बिखरे पड़े हैं। और ये देखिए, शाम के 4:30 बज गए थे तो मैंने सबके लिए यहाँ पे चाय बना दिया है, अपने लिए भी और जितने भी लेबर और जो भी हैं जो काम करने आए हुए हैं उनके लिए भी मैंने चाय यहाँ पे बना दिया है। तो अभी मैं सबको चाय दूंगी जाके। चाय मैंने सबको दे दिया है और सब लोग चाय पी भी चुके हैं। और यहाँ पे मैं देखिए तुलसी पिंडा बनवा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे तुलसी पिंडा कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो अभी मैं देखती हूँ उसको रखना है कि क्या करना है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए सिंक लगवाई हूँ, तो ये अभी पूरी तरह से नहीं बना है, कल तक ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा टॉयलेट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद दिखाया था। और ये देखिए, अभी मेरा किचन तो रेडी हो चुका है लगभग, और अभी ज़्यादा काम नहीं बचे हैं घर में, बस एक या दो दिन के काम बचे हैं, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जितने भी मेरे सामान बिखरे पड़े हैं, जिसका मुझे इंतज़ार था कि मैं सारे सामान को अच्छे से साफ़ करके उनको उनके जगह पे रखूं, तो बस वो दिन आने ही वाला है। और ये देखिए, अर्थ अभी तक पानी में डूब के नहा रहे, और मैंने इनको चाय दिया था तो इन्होंने मुझे कहा कि चाय के साथ 2-3 बिस्किट भी दे दो, क्योंकि शाम को इनको थोड़ा सा भूख लगी थी, क्योंकि आज सुबह ही खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो चुकी थी और दूसरे सिलेंडर में हमने गैस नहीं डलवाया था, तो जिसकी वजह से खाना अधूरी बनी। तो वैसे तो हमने खाना खा लिया था बना के इंडक्शन में, लेकिन थोड़ा लेट से, तो इसलिए उनको भूख लग गई थी शाम होते होते, तो वो बिस्किट खा ले रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा जो गुलाब है वो देखिए कितने अच्छे से खिल चुका है, और ये ऑरेंज कलर का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी तो मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी ठीक है, हरे भरे हैं।
अब इन पे भी मैं ध्यान दूंगी अब कुछ दिनों के बाद से। तो हमने चाय भी पी लिया है और शाम का टाइम हो चुका था, सारे मिस्त्री लेबर ये सब जा चुके थे। तो अर्थ के पापा ने मुझे कहा कि मुझे भूख, मतलब उनकी भूख मिटी नहीं थी 2-3 बिस्किट से, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ घर पे ही बनाओ जिसको सब मिलके खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड चॉप बना ले रही हूँ, तो ये शाम का हमारा नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ। फिर से मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि चाय से मन भरा नहीं था, वो थोड़ी सी चाय मेरी घट गई थी, तो मैं फिर से बना के पी लूँगी। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ ब्रेड चॉप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ब्रेड चॉप बन के तैयार है और मैं अब इसको प्लेट में डाल लूँगी। और इसके साथ मैं थोड़ी सी ये चिंग चिली सॉस और थोड़ी सी किसान सॉस जो टोमेटो की है वो मैं दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें दे दूँगी उनको साथ में, क्योंकि उनको बहुत ज़रूर की भूख लगी है, वो खा लेंगे जल्दी से। और फिर इसके बाद मैं और मेरी बहन भी खा लेंगे, अर्थ भी खा लेंगे। तो फिर इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।